हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से न्यू और लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जो काफ़ी स्टूडेंट को जानना रियली ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर एडमिशन जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ है कि नहीं, एडमिशन चालू है कि नहीं, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं, और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहली बात कि आपका मैं नोटिस आपको दिखा देता हूँ, ये नोटिस असल में पहले का था। अब इस नोटिस को अपडेट करते हुए इस नोटिस को इस तरीके से कर दिया गया। अब क्या है वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। कल के वीडियो में दोस्तों जितने भी एटीकेटी वाले स्टूडेंट थे, ठीक है, एटीकेटी ऑल्ड एंड रिपीटर के जितने भी स्टूडेंट थे उनका सभी का बताया था, F5 BCom, S5 BCom, TY BCom, F5 BA, S5 BA, TY BA, MCom Part 1, Part 2, MA Part 1, Part 2, MSc IT Part 1, Part 2, इन सभी स्टूडेंट का मैंने बताया था कि एडमिशन डेट कब से कब तक चालू है, क्या है, सब चीज़ बता चुका था। तो अगर आपने ये भी वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। आज मैं बताने वाला हूँ ये रेगुलर जो स्टूडेंट है उनका, जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट है उनका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इनमें जो S5 BA, S5 BCom, S5 BSc IT, थर्ड सेम फोर्थ सेम के जो CBC पैटर्न के स्टूडेंट है इनके डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है 60 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर। आज दोस्तों 23 है, आपको 29 अक्टूबर तक का टाइम है, आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे एडमिशन चालू है कि नहीं चालू है, वो अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। अब जहाँ मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहा था वो एनुअल पैटर्न वालों का था। देखिए, एनुअल पैटर्न TY BA और TY BCom के जो स्टूडेंट है उनका भी एडमिशन चालू है 25 से लेके 29 अक्टूबर तक, ठीक है, 25 से चालू होगा, ये याद रखना, फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया है। और उसके बाद अगर CBC पैटर्न की बात करो तो TY BSc IT का भी चालू है, 29 अक्टूबर तक का आपके पास डेडलाइन है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फाइनेंस मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट हैं उनका भी चालू है। साथ ही साथ MA पार्ट टू के हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजिकल, जो भी स्टूडेंट है आपके सब्जेक्ट के, साथ में MA पार्ट टू एजुकेशन या MCom पार्ट टू एनुअल पैटर्न के जो स्टूडेंट है, ठीक है, MCom पार्ट टू एनुअल पैटर्न के स्टूडेंट ये सब, इनका भी डेट एक्सटेंड कर दिया है फॉर्म का 25 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक का। तो ये भी फॉर्म जाके फिलअप कर सकते हैं। MSc पार्ट टू थर्ड फोर मैथमेटिक्स IT CBC पैटर्न है, इनका भी डेट 20 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक का, इनको सबसे ज़्यादा टाइम दिया गया है दोस्तों, 10 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक। और पिछले बार के अपडेट में इनका कोई भी डेट नहीं दिया था, इधर जो 29 अक्टूबर है था वहाँ 12 अक्टूबर था। तो ये वाला फिर से एक अपडेट करके मुंबई यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को दिया है। MCA सेकेंड ईयर और MCA थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर CBC पैटर्न और थर्ड ईयर नॉन CBC पैटर्न दोनों के डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है 20 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक का। अगर हम बात करें कि भाई FYBA, FYBCom, FYBSc IT या पार्ट वन MA या MCom या MSc IT, FY MSA, ठीक है, CBC पैटर्न या पार्ट वन MA एजुकेशन एनुअल पैटर्न, इन सभी का डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया है, बहुत ही जल्द डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों अपडेट, आई होप कि अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अपडेट अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।